हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता के बारे में बताऊंगी। आज की हमारी वीडियो पार्ट 19, देखो जो 19वां भाग है, इसमें हम जानेंगे लघु गणक के अवकलन संबंधी कुछ उदाहरण। देखो, इससे पहले वीडियो में हमने लघु गणक के अवकलन के संबंध में कुछ चीजें जानी कि लघु गणक के अवकलन क्या होता है और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखे थे। तो उसी प्रकार के कुछ और उदाहरण हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो हमारे आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जाम्पल 32 एंड 33 के बारे में, जो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से संबंधित है, ठीक है? तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हमारे पास जो उदाहरण 32 है, देखो इसमें क्या बोला गया है उदाहरण 32 में, कि x के सापेक्ष x की घात साइन x का अवकलज कीजिए, जबकि x जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो देखो हमने क्या करा है, हमने बहुत सारे फलनों के अवकलन करे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने अभी दो चीजें पढ़ी कि चर घातांकी और जो लघु गणक के फलन होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कुछ फलनों के संयोजन कर दिया जाता है, मतलब अलग अलग फलनों को जोड़ के एक नया फलन बनाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, अगर हम देखें x की घात साइन x है, मतलब x की घात मतलब ये खुद में एक चर घातांकी फलन है और साइन x खुद एक फलन है, तो ये दो फलनों का संयोजन हो गया। और जब हमें पता होता है, और इससे एक चीज और समझ में आ रही है कि x भी एक फलन है और साइन x भी एक फलन है, मतलब फलन की ही घात फलन, एक नया फलन बन रहा है संयोजन से। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास इस प्रकार के फलन होते हैं जो कि घात की घात हो, मतलब फलन की घात फलन होता है ना? तो जब इस प्रकार के आपके पास क्या होते हैं, फलन होते हैं, तो इस प्रकार के फलन को हल करने के लिए हम जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है हमारा लघु गणक का फलन, उसका उपयोग करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने इस फलन को क्या मान लिया, वाई मान लिया कि वाई बराबर क्या है, एक्स की घात साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, मतलब लघु गणक लेंगे। किससे, इससे क्या फायदा होगा कि जो ये घात है ये आगे आ जाती है, मतलब लॉग लेने पर जो घात में हमारे पास कोई भी फलन होता है वो घात वो लॉग से पहले आ जाता है। तो यही हुआ, इसके गुणधर्म के अकॉर्डिंग जब हमने देखा तो लॉग वाई बराबर, देखो ये घात जो है वो आगे आ गई साइन एक्स और लॉग एक्स आ गया, ठीक है? इसीलिए हमने लघु गणक लिया था। अब देखो इसको हम हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फलन है वो एक्स में है, तो इसलिए हम एक्स के सापेक्ष का क्या करेंगे, अवकलन करें। तो लॉग वाई का अवकलज क्या होता है, ठीक है, लॉग वाई का होता है 1/y, और फिर हम किसका कर रहे हैं, वाई का कर रहे हैं। तो एक 1/y मतलब 1/y, और फिर वाई का किया तो क्या आ गया, dy/dx आ गया, ठीक है? इसी प्रकार इक्वल टू ये हमारे पास क्या है, साइन एक्स लॉग एक्स। देखो लघु गणक अवकलज में हमने यही देखा था कि जब हमारे पास एक से ज्यादा फलन होते हैं, मतलब दो फलन जब हमारे पास होते हैं, तो उन और जो दोनों गुना में हो, तो हम उनको कैसे हल करते हैं, उनको हल करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम एक फलन को अचर मानते हैं, दूसरे का अवकलज करते हैं, फिर प्लस करके दूसरे फलन का को अचर मानेंगे, पहले का अवकलज करेंगे। यहाँ पे वही किया है, पहला फलन हमारा जो साइन एक्स है उसको हमने अचर माना है और अवकलज किया है किसका, दूसरे फलन मतलब लॉग एक्स का। फिर हमने लॉग एक्स को अचर माना है और पहला जो फलन था हमारा साइन एक्स उसका अवकलज किया, ठीक है? इस प्रकार करते हैं, तो साइन एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x लॉग एक्स आ गया, और साइन का क्या होता है, अवकलज हमारे पास कॉस एक्स होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, हमें dy/dx चाहिए, तो ये y यहाँ पर क्या है, ज्यादा आ रहा है, मतलब ये इसका इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx। देखो हमारे पास dy/dx ये आ गया कि y जो है इसके गुना में आ गया, साइन x/x प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। अब देखो क्योंकि हमें जो अपना अंतिम परिणाम देना होता है वो x के पदों में देना होता है, इसलिए हम y का मान जो है, जो हमारे पास था, हम वो मान यहाँ पर रखेंगे। तो आपने y के स्थान पर क्या रख दिया, x की घात साइन एक्स रख दिया, ठीक है, जो कि इसका मान था। तो यहाँ पर क्या आ गया, वाई की घात साइन एक्स आ गया, ठीक है? और ये क्या है, साइन x/x प्लस कॉस एक्स लोग एक्स आ गया आपके पास, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा और हल करेंगे, थोड़ा और हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी गुना अंदर कर देंगे, ठीक
ठीक है, तो हमने इसकी गुणा करा तो क्या मिला, साइन एक्स। देखो ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो इसकी घात जब ऊपर जाती है माइनस हो जाती है, तो ये 1 है तो ऊपर जाएगी तो साइन एक्स माइनस 1, मतलब अंश में जा रही है हर से, तो घात क्या होती है माइनस हो जाती है। फिर ये क्या आ गया, साइन एक्स माइनस 1 इंटू ये हमारा क्या है साइन एक्स है, प्लस एक्स की घात साइन एक्स आ गया। ठीक है, और ये मतलब इसके साथ गुना हो जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स। तो इस प्रकार आपने क्या करा, लघुगणक की सहायता से जो हमारे पास फलन था लघुगणक लेके उसका उसका क्या किया आपने, अवकलज करा, मतलब कि लघुगणक अवकलज जो लघुगणक अवकलज जो था उसके उसके द्वारा, मतलब लघुगणक द्वारा अवकलज किया किसका, फलन का, जो कि आपके पास क्या था थोड़ा सा कि आप चर घातांकी के रूप में था, फलन की घात फलन आ रही थी तो उसको हल किया। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं उनको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो आगे देख लेते हैं, आपके पास एक और उदाहरण है जिसमें क्या दिया गया है, वाई की घात एक्स प्लस एक्स की घात वाई प्लस एक्स की घात एक्स बराबर ए की घात बी। मतलब ये देखो यहाँ पर भी ये भी अलग अलग कुछ फलन है जिनको आपको जोड़ा गया है, ठीक है, और इन इन सब का मान क्या है, ए की घात बी है। तो इस फलन का हमें क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग फलनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तो इससे क्या हो रहा है, फलनों का संयोजन हो रहा है। तो हमने क्या करा, देखो ये हमारे पास दिया हुआ है कि वाई की घात एक्स प्लस एक्स की घात वाई प्लस एक्स की घात एक्स की घात बराबर ए की घात बी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, हमने अलग अलग फलन मान लिए, जैसे इसको हमने यू मान लिया, इसको हमने वी मान लिया, इसको हमने डब्ल्यू मान लिया, मतलब ये यू वी डब्ल्यू आपके पास तीन अलग अलग फलन ले लिया आपने, इन तीनों फलनों को कुछ कुछ मान लिया, जैसे इसको यू माना, इसको वी माना, इसको डब्ल्यू माना, ठीक है। और अब क्या हो गया, अब इसके स्थान पर अगर हम रख रहे हैं तो यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर एक ही घात बी प्राप्त हो गया, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का एक्स के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। तो आपके पास क्या आ गया, डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बराबर, और ये क्या है, एक अचर मान होता है ना, एक ही घात भी क्या है, एक अचर वैल्यू है। तो जब इसका मान अचर होगा, अब किसी भी अचर का जब हम अवकलज करते हैं तो वो हमेशा जीरो प्राप्त होता है, तो इसलिए इसका मान क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, डी डब्ल्यू बटे डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बटे डी एक्स। अब हमें ये याद करना है किसके द्वारा, इन जो हमें ये दिए हुए हैं इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा हमें इनको ज्ञात करना है, और ये मान फिर हम यहाँ रख के इसका क्या करेंगे, अवकलज मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त करेंगे। तो देखो अलग अलग इनको हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है यू बराबर वाई की घात एक्स। अब देखो जब मैंने बोला था कि फलन की घात फलन आ रही है, मतलब वाई भी एक क्या है, चर वैल्यू चर राशि है, एक्स भी एक चर राशि है ना, तो इस चर की घात चर आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको मतलब इसको हम हल करने के लिए लघुगणक लेंगे ताकि ये अलग अलग हो जाए, ठीक है। अब ये अलग अलग हो जाएंगे मतलब दोनों का संयोजन हो रहा है, तो हम इसको हल नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके हल करेंगे। तो दोनों पक्षों का आपने क्या कर लिया, लघुगणक ले लिया। तो जब आपने इसका लघुगणक लिया तो ये क्या आ जाएगा, लॉग यू, और यहाँ पर घात आगे आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लॉग वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे, क्योंकि हमें सबका एक्स के सापेक्ष करना है। तो जब हमने लॉग यू का करा तो वो क्या होता है, एक बटा यू, और यू का करेंगे तो क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यू का दोबारा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, डी यू बटे डी एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पर एक्स और लॉग वाई दोनों क्या है, चर राशि है, और ये फलन का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों गुना में है ना, कि फलन की घात फलन फलन गुना फलन हो रहा है। तो जब हमारे पास दो फलन गुना में होते हैं तो हम उनको कैसे हल करते हैं, तो उनको हम कैसे करते हैं कि एक फलन को हम क्या मानते हैं, अचर मानते हैं, दूसरे का अवकलज करते हैं, फिर दूसरे को अचर मानते हैं और पहले का अवकलज करते हैं। तो वही हमने यहाँ पर करा कि हमने एक्स को ऐसे ही रखा, फिर हमने लॉग वाई का अवकलज करा, फिर प्लस लॉग वाई को ऐसे ही रखा, फिर एक्स का अवकलज करा, तो ये हमें मिल गया। अब देखो हमें डी यू बाई डी एक्स चाहिए होता है, तो हम यू को भी इधर लेके जाएंगे। ये देखो यहाँ पर लॉग वाई का अवकलज क्या होता है, एक्स डॉट लॉग वाई का करेंगे तो वन अपॉन वाई, और फिर वाई का दोबारा करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स,
प्लस यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा, 1, तो लॉग वाई इंटू 1, और ये यू इधर आ जाएगा गुना में, तो डी यू बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया, यू एक्स बटे बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई मिल गया। अब देखो यू जो था आपका, यू का मान क्या था, वाई की घात एक्स, तो ये यू यहाँ पर रखोगे आप वाई की घात एक्स, एक्स बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ये आपने क्या मान ली, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार अगला फलन हमारे पास क्या था, v बराबर y x की घात y, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो इसी प्रकार इसको हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अलग अलग करने के लिए लघु गणक लेंगे। तो आपने क्या करा, इसको लघु गणक लिया, तो ये क्या आ गया, log v बराबर y मतलब घात आ गया, आ गई log x, ये मिल गया आपके पास। अब हम इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज करेंगे, ठीक है। तो आपने जब इसका x के सापेक्ष अवकलज करा तो आपको क्या मिला, log b का क्या होता है, 1/b dv बटे dx आ गया, ठीक है। और यहाँ पर y log x का कैसे करोगे, गुना के द्वारा, मतलब फलन की गुना, वही वाला जो हमारा लघु गणक अवकलज का जो तरीका होता है उसी तरीके से आप इसको हल करोगे। पहले फलन को हम अचर मानेंगे, दूसरे का अवकलज कर रहे हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर हम दूसरे फलन को अचर मानेंगे, पहले का अवकलज करेंगे तो डी बाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, तो ये क्या आ गया, वाई इंटू 1/x, फिर ये क्या है, लॉग एक्स इंटू, फिर ये क्या मिल रहा है आपको, डी बाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब ये वी जो है इधर से हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, गुना में लेके जाएंगे, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर वी y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स आपके पास प्राप्त हो गया। अब देखो v का मान यहाँ पर क्या था, x की घात y, ठीक है, तो ये मान आप यहाँ रख दोगे x की घात y, और ये क्या आ जाएगा, y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आपकी समीकरण नंबर 3 आ गई। तो इस प्रकार आपने क्या करा, डी वी बाई डी एक्स प्राप्त कर लिया। अब अगले पार्ट में आपका तीसरा जो भाग था वो क्या है, w बराबर x की घात है। अब देखो इसको हल करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे कि हमने सबसे पहले इसका लघुगणक लिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, log w बराबर x log x, फिर हमने इसका x के सापेक्ष अवकलज करा तो हमें क्या मिला, log w का होता है 1/w डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, फिर इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे, एक्स को अचर माना, लॉग एक्स का अवकलज करा, फिर लॉग एक्स को अचर माना और एक्स का अवकलज करा, तो हमें क्या मिल गया, एक्स बटे लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1/x, यहाँ पर आपने क्या लिखा, लॉग एक्स, और एक्स का क्या होता है, 1। अब देखो ये डब्ल्यू इधर जाएगा तो डी डब्ल्यू बटे डी एक्स आ गया डब्ल्यू इंटू, ये एक्स से एक्स कट रहा है तो 1 प्लस लॉग एक्स। अब डब्ल्यू का मान आपके पास क्या था, एक्स की घात एक्स आ रहा था, तो आपने यहाँ पे इसका मान रख दिया एक्स की घात एक्स, ये क्या आ गया, 1 प्लस लॉग एक्स, ये आपके पास समीकरण नंबर 4 है। अब देखो ये 2, 3, 4 जो आपने प्राप्त किया है इसको आप समीकरण फर्स्ट में रखोगे, जो आपके पास क्या था, डी यू बटे डी एक्स प्लस डी बी बटे डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बराबर 0 था, वहां पर आपने ये मान रखे तो आपके पास क्या आ गया, वाई की घात एक्स, एक्स बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई प्लस एक्स की घात वाई वाई बटे एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स की घात एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखो हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हम जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको अलग कर लेंगे, और उनमें से हमने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, मतलब बाहर ले लिया, तो यहाँ से ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, वाई की घात एक्स इंटू एक्स बटे वाई। अब देखो इस वाई को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स माइनस 1, वाई की घात एक्स माइनस 1 इंटू एक्स आ गया। इसी प्रकार एक यहाँ पर है तो एक्स की घात वाई लॉग एक्स यहाँ पर आ गया और डीवाई बाई डी एक्स बाहर आ गया। अब जो इसके अलावा जितने भी मान है वो सारे इधर जाएंगे, तो ये सबसे पहले इधर गया तो ये माइनस में हो गया, माइनस की एक्स की घात एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, फिर उसके बाद ये कौन सा जा रहा है कि y इंटू एक्स की घात वाई माइनस 1 ये आ गया, फिर x इंटू ये वाला आएगा y की घात x log y ये आ गया, तो ये सारी चीजें मिल गई। अब हमें dy by dx चाहिए, तो ये जो इसके गुना में है सब भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से dy by dx आपको क्या प्राप्त हो गया, माइनस के y की घात x log y प्लस y इंटू एक्स की घात y माइनस 1 प्लस x की घात x 1 प्लस log x बटे x डॉट y x y की घात x माइनस 1 प्लस x की घात y log x। तो इस प्रकार आपके पास अलग अलग फलन दे रखे हो तो उनका हम अलग अलग क्या करके अवकलज करके उनको दोबारा से समीकरण में रख के भी अवकलज प्राप्त कर सकते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस प्रकार आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
देखो अगले भाग में हम क्या देखेंगे कि फलों के जो प्रचलित रूप होते हैं उनका कलश किस प्रकार करते हैं, और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल 34 एंड 32। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।